वेलकम टू कैड इंजीनियर। इस वीडियो में देखेंगे पॉलीगन कमांड को। पॉलीगन क्रिएट इक्विलेटरल पॉलीगन्स विद एनी नंबर ऑफ साइड्स 3 to 40। तो यहाँ पे हम 3 से 40 साइड का पॉलीगन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ पॉलीगन इंस्क्राइब सर्कल। तो ये इंस्क्राइब सर्कल में क्या होता है, जो पॉलीगन जब हम बनाते हैं तो सर्कल पॉलीगन के अंदर बन के आता है। सर्कमफ्राइड सर्कल, तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम पॉलीगन बनाते हैं सर्कल हमारा इसके आउटर में बन के आता है। तो यहाँ पे इस कमांड के अंदर इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइड्स, एक्स एंड वाई लोकेशन, इसका डायमीटर प्लस एंगल हम चेंज कर सकते हैं और न्यू पॉलीगन ले सकते हैं दूसरा पॉलीगन बनाने के लिए। तो टूल को कैसे लेना है वो देखते हैं। टू एसेस द टूल बार क्लिक ऑन स्केच टैब, क्लिक द पॉलीगन कमांड मैनेजर टू सेलेक्ट पॉलीगन टूल और मेन्यू क्लिक टूल्स स्केच एंटिटी टू सेलेक्ट अ पॉलीगन। या तो इसको कमांड मैनेजर से ले सकते हैं या फिर मेन्यू में जाके स्केच एंटिटी से हम इसको ले सकते हैं। चेंज टू डिफरेंट पॉलीगन टूल फ्रॉम द पॉलीगन प्रॉपर्टी मैनेजर। तो जैसे पॉलीगन बना रहे हैं कुछ चेंजेस करना है तो पॉलीगन प्रॉपर्टी मैनेजर से हम चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे पॉलीगन को बनाते हैं। पॉलीगन कमांड लेने के लिए आप यहाँ स्केच टैब से कमांड मैनेजर में पॉलीगन टूल ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है मेन्यू बार में जाएंगे टूल्स, स्केच एंटिटीज और यहां से आप पॉलीगन ऑप्शन ले सकते हैं। तो आप कहीं से भी ले लीजिए, जैसे मैंने यहां से पॉलीगन ऑप्शन लिया। उसके बाद मुझे डिफाइन करना है कितने साइड का पॉलीगन बनाना है। तो जैसे कि यहां पे हमें पता है मैक्सिमम हम 40 और मिनिमम 3 साइड का पॉलीगन हम यहां बना सकते हैं। तो मिनिमम मैंने 3 साइड दिया, तो 3 साइड का क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो अगर आपको ट्रायंगुलर शेप बनानी है तो आप कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक करें और जिस तरीके से भी बनाना चाहते हैं ऊपर या नीचे माउस से मूव करके आप इसको बना लेंगे। बनाने के बाद आप इसका एक्स लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो एक्स में वैल्यू डिफाइन कर देंगे, वाई में मूव करना है तो वाई में वैल्यू मूव कर देंगे, वैल्यूज दे देंगे, और साइज चेंज करना है तो आप इसका जो डायमीटर है वो आप चेंज करेंगे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा 35 का मुझे बनाना है, 35 हो गया। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इसका 90 डिग्री पे अभी है, तो अभी आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है एंगल का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एंगल पे। ऐसे ही आपको न्यू पॉलीगन लेना है तो न्यू पॉलीगन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेकेंड ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे 4 साइड का पॉलीगन बनाना है। 4 साइड का पॉलीगन बेसिकली आपका स्क्वायर शेप होता है, तो स्क्वायर बनाना है आपने। तो मैंने क्लिक किया, मुझे एक स्क्वायर बनाना है सिंपली, और ये हमने क्लिक करके बना लिया। तो यहाँ पे आप इसका अगेन एक्स एंड वाई लोकेशन ओरिएंट कर सकते हैं। मैंने कहा एक्स में मुझे रखना है इसको 40 डिस्टेंस पे और वाई में भी मुझे रखना है इसको 40 डिस्टेंस पे। साथ साथ में मुझे इसके अंदर का जो साइज है, स्क्वायर का जो साइज है वो चेंज करना है, 50 चेंज करना है। एंगल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, एंगल 340 ही रखता हूँ। तो ये हमने देखा इंस्क्राइब सर्कल मैंने यूज कर बनाया, तो इसके अंदर सर्कल क्या हो रहा है, अंदर की तरफ बन के आया। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सर्कमफ्राइड, तो मैं न्यू पॉलीगन ऑप्शन लूंगा यहाँ से और ऑप्शन चूज करूंगा सर्कमफ्राइड, साइड नंबर 4 ही रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों पॉलीगन में। तो जब आप 4 साइड का पॉलीगन विद सर्कमफ्राइड ऑप्शन बनाते हैं तो यहाँ पे जो पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर बन के आता है। तो इसी तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पॉलीगन का साइज चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन जो है उसकी एक्स एंड वाई लोकेशन वो आप चेंज कर सकते हैं, एंगल आप चेंज कर सकते हैं। अब मुझे सपोज 5 साइड का पॉलीगन बनाना है तो मैंने न्यू पॉलीगन ऑप्शन दिया, यहाँ पे दिया 5। तो 5 हमारा पेंटागन शेप जो होती है वो हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कहाँ पे रखना है, मैंने कहा -85 डिस्टेंस पर रखना है, यहाँ पे -50 डिस्टेंस पर रखना है और डायमेट्रिकल वैल्यू मुझे रखनी है इसकी 45, ठीक है। इसी तरीके से मुझे इंस्क्राइब बनाना है, न्यू पे गया, इंस्क्राइब ऑप्शन लिया, 5 साइड का पेंटागन बनाना है। तो इस तरीके से हमने 5 साइड का पेंटागन बना लिया। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ साइड डिफाइन करते चले जाएंगे, हम पॉलीगन बनाते चले जाएंगे। आपको कोई नट एंड बोल्ट की शेप देनी है तो नट एंड बोल्ट की जो शेप होती है एग्जैक्टली हेक्सागोनल शेप होती है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स न्यू पॉलीगन लेंगे, नंबर ऑफ साइड डिफाइन करेंगे 6 और आप इस तरीके से हेक्सागोनल प्रोफाइल बना सकते हैं। अगेन लिया मैंने इंस्क्राइब सर्कमफ्राइड लेना है तो हमने यहाँ पे सर्कमफ्राइड ले लिया।
अब सपोज आपने बना लिया पॉलीगन, गलती से मैंने 6 साइड का बना दिया सपोज, और मुझे लेना था इसको 4 साइड का या 5 साइड का, तो आप यहाँ पे बनाने के बाद भी जब तक तो आप न्यू पॉलीगन पे क्लिक नहीं करते हो तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स भी हम वेरी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे इसको 5 साइड करना है, तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ 5 दूंगा तो 5 हो जाएगा, और 4 दूंगा तो 4 हो जाएगा, या फिर 3 दूंगा तो 3 हो जाएगा। मिनिमम आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम लोग पॉलीगन की साइड्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे आप साइड बढ़ाएंगे, जैसे अब हम जाते हैं 10 की तरफ, तो ये आप देखेंगे पॉलीगन हमारा 10 साइड का बन गया। अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपको पता होगा कि एक पॉलीगन क्या होता है कि जैसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड अचीव करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर शेप अचीव होना स्टार्ट हो जाता है। अगर 40 में रहता हूँ तो ये सर्कल की तरह दिखेगा, एग्जैक्टली सर्कल नहीं कह सकते बट हाँ दिखता सर्कल की तरह है क्योंकि ये पॉलीगन ही रहेगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड अचीव कर सकते हैं पॉलीगन कमांड के अंदर। तो ये था हमारा पॉलीगन कमांड। Thank you for watching this video.